एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे। सारी इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही मेन पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड और ब्लड वेसल के बारे में जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। हार्ट हार्ट इज एन ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। हार्ट क्या है? हमारे शरीर का वो ऑर्गन है जो ब्लड की पंपिंग करता है। पंपिंग यानी को उसको पुश करता है हमारी बॉडी के वो सारे के सारे पार्ट में। और किन के थ्रू करता है? ये ब्लड वेसल के थ्रू करता है, ठीक है। ब्लड वेसल क्या है? जो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरी है, ये क्या होती हैं? ब्लड वेसल होती हैं, जिनको हम इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। देखो, जो ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ पे लोकेट होता है? ह्यूमन हार्ट है उसकी जो लोकेशन होती है वो होती है लंग्स और चेस्ट कैविटी के बीच में, ठीक है। विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे कि ये डायग्राम है हार्ट का, हार्ट का जो ये लोअर वाला जो ये पार्ट है ये थोड़ा सा तिरछा होता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारा दिल धड़कता है। लेकिन ये क्या होता है, एडजेक्ट पूरा का पूरा भी लेफ्ट नहीं होता, वो ऐसे होता है ये बीच में। लेकिन इसके नीचे का हिस्सा है वो टिल्ड होता है इसकी तरफ, लेफ्ट साइड में, ओके। तो क्या है, ये लंग्स और चेस्ट कैविटी के बीच में लोकेटेड होता है और स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड द लेफ्ट। साइज देखो, जो हार्ट का साइज है वो जो हम जैसे कि हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं उस जितना होता है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो हार्ट को निकाल के अपने हाथ पे रख सकते हैं, इसका साइज इतना होता है। तो जो लेंथ होती है हार्ट की वो 12 सेंटीमीटर होती है और ब्रेथ कितनी होती है इसकी 9 सेंटीमीटर होती है। और जो इसका वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। हार्ट है जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके क्या होते हैं, चार कंपार्टमेंट होते हैं। उन चार कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, चैम्बर बोला जाता है, जिसे हम इस डायग्राम से देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, ये चार कंपार्टमेंट है ह्यूमन हार्ट के, जिनको क्या बोला जाता है, चैम्बर बोला जाता है, ठीक है। जो क्या है, एट्रियम और क्या है, वेंट्रिकल है। द हार्ट है जो 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर, अपर टू चैम्बर आर कॉल्ड एट्रियम। जो इसके ऊपर वाले दो चैम्बर हैं, जैसे कि ये ह्यूमन हार्ट है, यहाँ के जो ये दो ऊपर वाले चैम्बर ये एट्रियम होते हैं और जो ये नीचे वाले दो चैम्बर हैं ये क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ओके। तो जो एट्रियम है ये दो होते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, एक राइट एट्रियम होता है, ठीक है। और जो वेंट्रिकल है ये भी दो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब देखो ये टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाले जो कंपार्टमेंट, उनको एट्रियम बोला जाता है। तो इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, जैसे हम अबो देखते हैं, अबो का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो आबो में भी क्या आया है, ए आया है, और एट्रियम में भी क्या आया है, ए आया है। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, कभी नहीं भूलोगे कि ऊपर वाले जो पार्ट है वो एट्रियम होते हैं और लोअर वाले पार्ट हार्ट के क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, इस साइड में ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऐसे आप इनको क्या करोगे, याद कर सकते हो। और जो इन दोनों के बीच में, अब देखो जो लेफ्ट एट्रियम जो ये लेफ्ट साइड होती है हार्ट किसका क्या काम होता है, और राइट साइड होती है हार्ट किसका क्या काम होता है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो लेफ्ट साइड होती है ना ह्यूमन हार्ट में, जो ये लेफ्ट साइड है ये रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रखी है, ये लेफ्ट साइड तो क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऐसे ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। और जो ये राइट साइड होती है ह्यूमन हार्ट की, जिसमें वेंट्रिकल और एट्रियम आते हैं, ये क्या करते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि ये फ्लो करवाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो देखो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज द ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। और राइट साइड ऑफ हार्ट हैज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको क्या बोला जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। मतलब ये है कि ह्यूमन हार्ट जो हमारा हार्ट है उसकी जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और जो राइट साइड होती है वहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ओके। अब देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हम ये सोचते क्या वो मिक्स नहीं होता, तो यहाँ पे बीच में आपको ये यहाँ पे ये लाइनिंग सी दिख रही होगी यहाँ पे, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, इसको सेप्टम बोला जाता है, जो क्या करती है, इन दोनों जो ये चैम्बर आए हैं लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले, इनको ये अलग कर देती है, ताकि क्या करे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों ये ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें एक सेपरेटिंग वॉल होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेप्टम बोला जाता है, ठीक है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन वॉल कॉल्ड द सेप्टम. इसको क्या बोला गया है? सेप्टम बोला गया. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक है एरोटा और एक क्या होता है वीना कावा. तो यहाँ पे ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो है वीना कावा और एक क्या है एरोटा. जो ये एरोटा और वीना कावा ये क्या होते हैं, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी. देखो हमारे शरीर में क्या है, ब्लड वेसल थी आर्टरी और वेन्स. आर्टरी का काम क्या होता था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कराती थी हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट तक. ठीक है, तो उन सभी आर्टरी में जो मेन आर्टरी होती है उसको क्या बोला जाता है, एरोटा बोला जाता है. यानी कि जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो क्या होती है, एरोटा होती है. ठीक है, ये क्या करती है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हम पिछली वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, वीना कावा. वीना कावा क्या होती है, वीना कावा होती है जो मेन वेन्स होती है. यानी कि जो हमने वेन्स पढ़ी थी, जो क्या करती थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवाती थी हमारी बॉडी से हार्ट तक, ताकि वो क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए, उसमें से जो वेस्टेज प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसका रिमूव हो जाए. ठीक है, तो वीना कावा क्या है, मेन वेन्स या लार्जेस्ट वेन्स ऑफ बॉडी. तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराऊं, एरोटा क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरीज होती है, और वीना कावा क्या होती है, लार्जेस्ट वेन्स होती है. तो ये क्या करती है वेन्स, ये रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी पार्ट से, और उसको कहां सप्लाई कर देती है, हार्ट तक. रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी एंड सप्लाई टू द हार्ट. ठीक है, तो हमने ये जाना है, जो हमारी क्या थी, एरोटा थी, वो तो क्या करती थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से रिसीव करके हमारी बॉडी तक पहुंचाती थी. लेकिन वीना कावा क्या करती है, वीना कावा का काम होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारी बॉडी से रिसीव करके उसको हार्ट तक पहुंचाना. जैसे कि यहाँ पे है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे क्या है, ये वीना कावा है. वीना कावा क्या करेगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगी हमारे बॉडी पार्ट से, और उसको कहाँ पहुँचाएगी, हमारे हार्ट तक पहुँचाती है. ठीक है, और यहाँ इस साइड की क्या होती है, इस साइड में होती है हमारी जो क्या है, एरोटा, वो क्या करती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, जैसे यहाँ ये दिखाया गया, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारी बॉडी के पार्ट तक पहुँचाती है. ठीक है, ये तो बॉडी. अब देखो नेक्स्ट में क्या है, पल्मरी आर्टरीज और पल्मरी वेन्स. पल्मरी आर्टरीज और पल्मरी वेन्स क्या होती है, ये आर्टरीज और वेन्स का अपोजिट होती है. ठीक है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, लेकिन जो पल्मरी आर्टरीज है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती. ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, कहाँ, हमारे हार्ट से लंग्स तक. ठीक है, यानी कि जो हम, जैसे कि जब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे, हार्ट कैसे काम करता है, तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पल्मरी आर्टरीज कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है. ठीक है, और प्लम्बरी वेन्स क्या करती है, प्लम्बरी वेन्स का काम होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो लंग्स ने क्या किया है, उस ब्लड को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड बनाया है, उसको ये ट्रांसफर कर देती है हमारे हार्ट तक. ठीक है, ताकि हार्ट उसको फिर हमारे बॉडी पार्ट तक सप्लाई कर सके. तो ये होता है प्लम्बरी आर्टरीज और प्लम्बरी वेन्स. अब देखो, जो मैंने आपको ये यहाँ पे पॉइंट बताए हैं, एरोटा, वीना कावा, प्लम्बरी आर्टरी, प्लम्बरी वेन्स, इनको अब हम अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं अब आपको यहाँ पे इसके काउंसलिंग करवाऊंगी. ठीक है, तो देखो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, वो क्या है, उसके मेनली 8 स्टेप होते हैं. उन 8 स्टेप को हम अच्छे तरीके से समझेंगे. जब आप इन स्टेप वाइज इनको याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, आपको रट्टा नहीं लगाना है इन क्वेश्चन में. ठीक है, तो देखो क्या है, तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है. इस डायग्राम की हेल्प से आप जो फंक्शन है हार्ट के, उसको कभी नहीं भूल सकते हो. इसको आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो. ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं पहले आपको इस डायग्राम को ही समझा दूँ, उसके बाद मैं आप जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको आपको क्लियर करवाऊंगी. देखो जहाँ यहाँ पे ऊपर क्या दिखाई गई, ये हमारे लंग्स हैं. ठीक है, ये क्या है, लंग्स है, और जो ये लाइनिंग है ये कैपिलरी है. कैपिलरी क्या करती है, जो आर्टरीज और वेन्स को, सॉरी ये क्या है, ये आर्टरीज है और ये वेन्स है, इनको कनेक्ट करती है, यानी कि यहाँ से ट्रांसफर करवाती है ये मटेरियल का. ओके, जो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं. ये क्या दिखाया गया, हमारा हार्ट दिखाया गया. ये इसके 4 चैम्बर है, 1 2 3 4. ओके, और ये बीच में जो ये वॉल है, इसको सेप्टम बोला जाता है, जो इन दोनों को सेपरेट करके रखती है. ठीक है, अब देखो आगे क्या है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आर्टरीज दिखाई गई है. ओके, जो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है. फिर ये आर्टरीज ऑर्गन जो हमारे बॉडी पार्ट है, स्टमक, लीवर, किडनी, लेग्स, इनमें क्या कर देती है,
ब्लड का फ्लो करवाती है, ठीक है, ब्लड का फ्लो करवाएगी और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो ब्लड में मिक्स होगी, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो तब ये जो यहाँ पे क्या है वेंस आई है, इन कैपिलरी के थ्रू वो ब्लड इन वेंस से पास होके कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट तक आएगा, हार्ट उसको प्योरीफाई करने के लिए दोबारा से लंग्स तक भेज देगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होती है, जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है, द ब्लड पासिंग थ्रू द कैपिलरी ऑफ द लंग्स, देन द ऑक्सीजन मिक्सड इन टू द ब्लड इज नाउ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप में बोला कि जो ब्लड पास होगा हमारे इन कैपिलरी के थ्रू लंग्स में, जो ब्लड लंग्स में एंटर करेगा तो लंग्स में क्या है ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाएगी, मिक्स होगी। जैसे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई है इन कैपिलरी के थ्रू, फिर वो क्या करेगी, फर्स्ट स्टेप में तो इतना पढ़ा हमने, तो वो ब्लड क्या हो गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी। सेकेंड स्टेप में क्या है, द प्लमरी वेंस कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो यहाँ पे क्या है, प्लमरी वेंस, जो प्लमरी वेंस होती है, प्लमरी वेंस हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जो क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, लंग्स से, और उसको ट्रांसफर करवाता है हार्ट से। तो ये स्टेप अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ओके। प्लमरी वेंस कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है, आफ्टर दैट पुश इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो ये सेकंड में क्या दिया गया है, जो यहाँ पे ये प्लमरी विंस दिखाई गई है रेड कलर की, क्योंकि विंस, आप यहाँ पे पजल मत होना क्योंकि विंस हमने पढ़ा कि वो ब्लू कलर की होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है प्लमरी। तो ये क्या करती है प्लमरी विंस, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारे लंग्स से आया कैपिलरी से, उसमें क्या ऑक्सीजन मिक्स हुई, तो वो ये प्लमरी विंस उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ तक, हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक, ठीक है, जो हमारा क्या था हार्ट का अपर चैम्बर था, ओके। तो लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर वो ब्लड ये लेफ्ट एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हमारे हार्ट में, तभी तो ये धक धक ऐसे आवाज आती है, तो लेफ्ट एट्रियम उसको पुश कर देगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। देखो यहाँ से ये दो स्टेप आपको समझ में आए हो कि हार्ट जो लंग्स था उसने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाया, फिर जो प्लमरी वेंस थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई लंग्स से कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। इसके बाद देखो अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द मेन आर्टरीज कॉल्ड एरोटा। देखो अब यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जैसे ही ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश कर देगा यहाँ पे, जो हमारी मेन आर्टरीज है, जो ये सबसे बड़ी आर्टरीज यहाँ दिखाई गई है, मेन आर्टरीज क्या थी, एरोटा थी, ठीक है। तो एरोटा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, और फिर क्या कर देगी, एरोटा सप्लाई द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और फिर एरोटा का क्या क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरी किया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हमारे बॉडी ऑर्गन तक ट्रांसफर कर देगी, किसके थ्रू, इन कैपिलरी के थ्रू, जो हमारी बॉडी पार्ट की कैपिलरी थी उसके थ्रू एरोटा ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा दिया है, ठीक है। तो अब देखो इससे नेक्स्ट जो पार्ट है, स्टेप है, वो है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या दिया, व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिंग थ्रू द कैपिलरी ऑफ बॉडी फ्रॉम आर्टरीज इट गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। देखो क्या किया, यहाँ से जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इस मेन आर्टरीज के थ्रू, जो एरोटा थी उसने हमारी बॉडी पार्ट तक उस ब्लड को पहुँचा दिया, उस ब्लड को पहुँचा तो उसमें क्या था, फूड और ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो हमारी बॉडी सेल को मिल गई है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन टू द ब्लड विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आप देखो जैसे ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा, लेकिन जो हमारी सेल थी, हमारे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर होगी इन कैपिलरी के थ्रू, तो वो ब्लड कैसा होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि उसमें अब क्या मिल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारे ही बॉडी पार्ट को मिल गया है, क्या करने के लिए, जो ये फंक्शनिंग होती है हमारे शरीर में उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमें ऑक्सीजन से मिलती है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिली है, अब इस एरोटा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट को मिल गई है, ठीक है।
फिर जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, जो हमने पढ़ा था, अगर आपने रेस्पिरेशन का टॉपिक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से समझ लेना। तो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे जो सेल्स हैं वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करेगी इन कैपिलरी के थ्रू, तो फिर वो ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, विंस कैरी करती हैं। जो हमारी मेन विंस है उसको क्या बोला जाता है, मेन विंस का क्या नाम था हमारा, वेना कावा। ठीक है, तो देखो स्टेप हम 5 स्टेप पे पहुंचे हैं, यहाँ तक हमारा हो गया था 4th स्टेप कंप्लीट। तो 5 स्टेप में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया है किसने, विंस ने। ठीक है, तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी बाय द वेना कावा। वेना कावा क्या थी, मेन विंस थी हमारी, जो सबसे बड़ी विंस है वो क्या है, मेन वेना कावा है, और सबसे बड़ी आर्टरीज क्या है, हमारी एरोटा है। ओके, फ्रॉम बॉडी एंड सप्लाई टू द राइट एट्रियम। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने कैरी किया है, वेना कावा ने किया, जो लार्जेस्ट विंस थी, और इसको ये कहाँ लेके गई है, राइट एट्रियम तक लेके गई है, जो क्या है, अपर पार्ट है किसका, हमारे हार्ट का। ठीक है, यानी कि चैम्बर है जो। तो यहाँ तक आई तो यहाँ हो गए हैं इसके 5 स्टेप कंप्लीट। तो देखो यहाँ राइट एट्रियम तक दोबारा से फिर पहुंच गया है, तो राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसलिए क्या है, राइट एट्रियम है जो इनको क्या है, ब्लू कलर से दिखाया गया, क्योंकि ब्लू कलर क्या का मतलब क्या होता है, ब्लू वेंस का, कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ओके, तो इसके बाद आया अब 6th स्टेप हमारा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड पुश इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब देखो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे ये वॉल्व बने हुए हैं वाल्व, तो यहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक कंप्लीट हुए हमारे 6 स्टेप। तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर क्या हुआ है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड पुश इनटू द लंग्स बाय प्लमरी आर्टरीज। देखो अब यहाँ से प्लमरी आर्टरीज वर्ड आया है ना, और प्लमरी आर्टरीज क्या करती थी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके हार्ट से कहाँ पहुँचाती थी, लंग्स तक। ठीक है, तो यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, कि प्लमरी आर्टरीज कैसे कैरी करेंगी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि हम तो ये सोचते भी हार्ट में तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हार्ट के 2 चार चैम्बर है, जो इस राइट साइड वाले चैम्बर होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड वाले चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, तो देखो यहां से हम कहां तक पहुंचे थे, 6 स्टेप तक। जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो राइट वेंट्रिकल पुश कर देगा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, जो हमारी प्लमरी आर्टरीज हैं। ठीक है, प्लमरी आर्टरीज क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके उसको कहाँ पहुँचा देगी, लंग्स में। लंग्स में क्यों पहुंचाएगी, क्योंकि लंग्स क्या करेंगे, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करके ऑक्सीजन को उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेप दोबारा से फिर होगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसको कौन कैरी करेगा, पलमरी विंस कैरी करेगी, उसको वो इसके लेफ्ट आर्टियम में भेजेगी, लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, मेन आर्टरीज एरोटा, एरोटा उसको कहाँ भेज देगी, हमारे बॉडी पार्ट तक, थ्रू बॉडी, कैपिलरी ऑफ बॉडी। और फिर क्या होगा, जो वेस्टेज प्रोडक्ट थे हमारे, जो रेस्पिरेशन के थ्रू बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड में एंटर करेगी, तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी विंस, जो वेना कावा है, जो मेन विंस है, और वो कहां लेके जाएगी इसको, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आएगा हमारे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल उसको पुश कर देगा कहाँ पे, प्लमरी आर्टरीज में, और प्लमरी आर्टरीज क्या करेगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज देगी, लंग्स में, क्या होने के लिए, प्योरीफाई होने के लिए। ठीक है, तो एक ध्यान दो यहाँ पे, देखो 2 बार हार्ट में ब्लड आया, पहले तो यहाँ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से पास होते हुए यहाँ डीऑक्सीजनेटेड हुआ, तो फिर ये यहाँ पे हार्ट में आया, तो दोबारा से ये लंग्स पे गया, तो क्या हुआ है, एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने में जो ब्लड है वो 2 बार क्या करता है, फ्लो करता है इस हार्ट में से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ओके, तो देखो क्या है यहाँ पे 8th स्टेप में क्या हुआ, इन द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर बींग ब्रीथ इन। ठीक है, तो क्या हुआ है, जैसे ही हमारे 7th स्टेप से जो प्लमरी आर्टरीज ने उस ब्लड को यहाँ लंग्स में भेजा है, तो लंग्स में आके क्या हो जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो जाएगी, और जो एयर हम एयर के जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम गेन करते हैं, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी उस ब्लड में। ठीक है,
सो द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड अगेन, दोबारा से ये ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर ये प्रोसेस दोबारा से ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बींग में, उसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है। भाई ब्लड सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, तो क्यों होता है, देखो द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड पासिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, ठीक है। देखो जैसे ही हमारे शरीर में जो ब्लड के सर्कुलेशन का एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो उस एक साइकिल कंप्लीट होने में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जैसे ही हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में ये ब्लड दो बार फ्लो करता है हमारे हार्ट से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब ये डबल सर्कुलेशन होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है हार्ट की फंक्शनिंग से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, ब्लू कलर क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर किसके लिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। तो जो लेफ्ट साइड होती हार्ट की, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट साइड होती वहां पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जैसे हम बैठे होते हैं तो हमारे जो अपोजिट साइड में है, जैसे हमारे सामने ये डायग्राम है, तो ये हाथ तो हमारा राइट है, लेकिन ये साइड इसकी लेफ्ट होती है, आपको ध्यान रखना है, ओके। जो हमारा जो राइट साइड होती है वो हार्ट की लेफ्ट होती है, और हमारी जो लेफ्ट साइड है वो हार्ट की राइट होती है, ओके। तो और मैंने एक आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि आप कैसे याद करोगे, अपर चैम्बर एटीएम होते हैं, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल होते हैं, अबव, अबव का ए आपको कोरिलेट करना है आर्टरीज से, ठीक है। तो आप ऐसे कभी नहीं भूलोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।